Huge welcome to all of you in the class of mathematics. And we are studying our unit number 1 of mathematics 3, that is matrix. Rank of a matrix. Rank of the matrix. Today's topic is rank of a matrix, or Hindi mein isko कोटि बोलते हैं. अव्यू की कोटि ये पढ़ना है हमें. रैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारा. बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारा मैट्रिक्स का. तो इसमें है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होगा कि मैट्रिक्स है क्या, सॉरी रैंक है क्या. What is rank of a matrix? ये होती क्या है ये हम जानते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कि क्या होगा इसमें. सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारे आगे कि ये रैंक है क्या. तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको. ये एक मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स ए, और इसकी जो 1 1 1 और सेकंड 1 -1 0 और थर्ड इज 1 1 1. ये आपको पता ही है. ये R1 है, दैट इज R2, दैट इज R3. ये रो 1 रो 2 रो 3. अब इस वाली मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स A है, इसको क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जो R1 मैट्रिक्स है, R2 और R3, इसमें हम देख रहे हैं कि जो R2 है, सॉरी R1 और R3 मैट्रिक्स दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है. ये देख रहे हैं जो इसके एलिमेंट्स हैं वही इसके भी एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं. इसका मतलब जो R3 भी है, R3 या R1 कोई भी एक, R3 जो है किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन R1. लेकिन R2 के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है. R3 डिपेंड है R1 पे. ये हम ये भी बोल सकते हैं कि R1 डिपेंड्स ऑन R3, कोई भी एक बात चाहिए, आइदर दिस वन और दिस वन. तो ये जो मैट्रिक, ये जो R1 और R3 जो है, R3 को ले रही हूँ मैं, चलिए R3 जो है R1 पे डिपेंड कर रही है. यानी कि ये वाली जो रो है, R3 रो जो है, वो क्या हो गई, वो हो गई डिपेंडेंट रो. ये है डिपेंडेंट रो. लेकिन R1 और जो R2 है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट रोज हैं. मतलब ये डिपेंड नहीं कर रही हैं ना तो आपस में ना किसी और से, तो सिर्फ डिपेंड जो कर रही है, R3 डिपेंड कर रही है, वो भी R1 पे डिपेंड कर रही है. तो ये है इसमें. तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज रैंक. तो जितनी भी रैंक का बेसिक मतलब ये निकला, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम. कितनी ऐसी रो या कितनी ऐसे कॉलम होंगे मैट्रिक्स के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये हुआ रैंक of a matrix. तो rank of a matrix इसका मतलब क्या हो गया, rank of matrix इसका मतलब हुआ number of independent row. किसी भी matrix में कितनी independent row हैं, that is called the rank of a matrix. ये row भी हो सकते हैं और ये column के बारे में भी हम बोल सकते हैं. तो ये इसका basic आइडिया हो गया कि रैंक क्या है. आपको ध्यान रखना है व्हाट इज रैंक. रैंक क्या है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें कितने इंडिपेंडेंट रो हैं या कितने इंडिपेंडेंट कॉलम हैं. ये हम ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है कुछ. जो क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये बिल्कुल ईजी था, सिंपल था, तो हम क्लियरली उसमें देख पाए कि एक ही रो ऐसी थी जो कि एक दूसरी रो पर डिपेंड थी, बाकी की दो रो जो थी हमारी वो इंडिपेंडेंट थी, उसमें हमने क्लियरली देख लिया. पर सभी मैट्रिक्स में इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा.
तो फिर हम फर्दर उसके लिए कुछ प्रोसेस यूज करेंगे। तो पहली बात तो रैंक के बारे में हो गई कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। दूसरा इसका जो सिंबल है सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल जो है मान लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स हमें लेनी है ए, ये मैट्रिक्स ली हमने, तो इसका सिंबल होगा रैंक का सिंबल होगा ऐसे रो ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब थर्ड वन इज अगर कोई मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर मान लीजिए इसका ऑर्डर मैंने लिखा है 4/3, यानी कि इसमें 4 रो हैं और इसमें 3 कॉलम हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रैंक है वो 4 नहीं हो सकती, तो जो इनमें से छोटा होगा उतनी ही रैंक होगी। तो रैंक क्या क्या हो सकती है, रैंक हो सकती है रैंक में भी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। एक और इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर मैंने बताया 5/3, तो उसकी रैंक ऑर्डर ये है, तो उसकी रैंक क्या हो सकती है, रैंक ऑफ या रो ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं हो सकती, इस 5 से छोटी ही छोटी वो होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक्स है ये, इसमें कोई खास इतना वो वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट इसका एक और जो पॉइंट है, एक और पॉइंट है इसका देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब ये बात आई कि हमने जो रैंक का जो मतलब पता लगाया वो ये बता रहा है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट रोज हैं दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, पर अगर हम उसको सिंपल ऑब्जर्व करेंगे तो हमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है उसको करने में। तो यहाँ कुछ हमने मेथड्स बनाए हुए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं, मैथड्स। तो ये हुआ मैथड्स टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ मेथड्स हमारे मेंशन हैं, वो मेथड देखिए आप। 3 मेथड है हमारे, पहला मेथड है इसका बहुत ही पॉपुलर डिटरमिनेंट मेथड, और दूसरा मेथड है रो एक्लन फॉर्म मेथड। रो एक्लन मेथड दूसरा, और तीसरा है इसका नॉर्मल फॉर्म या इसको कैनोनिकल फॉर्म मेथड भी बोलता है। अगर इसको देखें तो रोई एक्वलन फॉर्म मेथड है ये, और ये दोनों ही काफ़ी इजी हैं, और अगर ये दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे तो तीसरे वाले में कुछ खास नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही इजी और सिंपल है मेथड, बस इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए आपके डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की, डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज, जितनी भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं मेन जो हमें यहाँ यूज़ करनी है वो हमें पता इसमें होनी चाहिए। तो फिर से देखिए रैंक का मतलब था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, पर ऐसे इंडिपेंडेंट रोज देखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ मेथड्स हैं जनरली, ये 3 मेथड हैं पॉपुलरली डिटरमिनेंट रो इक्विवेलेंट एंड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म मेथड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना डिटरमिनेंट मेथड, तो इसमें मेंशन नहीं होगा कि आपको किस मेथड से निकालना है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, इन तीनों में से रैंक को किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है नॉर्मली। तो अगर मेथड मेंशन ना हो तो आप डिटरमिनेंट से भी जा सकते हैं और रो इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। तो
तो सबसे पहला वाला मेथड हम देख रहे हैं, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड। उसको देखते हैं कि क्या है डिटरमिनेंट मेथड हमारा। तो ये हुआ हमारा, डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड में क्या करते हैं, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स या जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगी उसका हम डिटरमिनेंट लेंगे और उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे कि वो इजीली डिटरमिनेंट मेथड्स के क्वेश्चन हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी का मैं स्टेप भी बताऊँगी। और सबसे पहले हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिख लेती हूँ आपको कि ये क्वेश्चन है, इसी को सीधा देखते रहेंगे। 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3 ये है और हमें इसके निकालने हैं रैंक ऑफ ए और इसका सिंबल बनेगा रो ए। यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय, हम निकालेंगे इसको डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड से निकालने के लिए करते क्या हैं, ये है हमारी 3 by 3। तो इसमें दोनों ही सेम है तो रैंक जो है इसकी वो आपकी मे बी 3 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो करते क्या हैं इसमें, क्योंकि ये तो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसमें जो सबसे बड़ा जो इसका ऑर्डर ये 3 ऑर्डर का इसका डिटरमिनेंट माइनर ले लेंगे। टेक माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 ऑर्डर का माइनर क्या हो गया, यही हो जाएगा अपने आप में क्योंकि है ही 3 की। माइनस 1 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सपेंशन करके, R1 के अलॉन्ग में इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो ये हुआ 2 इंटू ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और ये माइनस और माइनस प्लस 8 माइनस 1, तो ये ऐसे कटेगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे इसको कट करा, याद आ गया होगा आपको शायद 0 और प्लस 4 एंड अगेन माइनस 1, तो ये है ऐसे कट हुआ ऐसे, तो ये हो गया 0 और ये हुआ माइनस 6। तो इसकी वैल्यू आई 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 6, तो ये हो गया 4 माइनस 4 और ये आ गया प्लस का 6। तो इसकी वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट जो हमने जो डिटरमिनेंट या जो माइनर हमने लिया था, प्लस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 2 का क्रॉस लिया मैंने, 3 3 3 जा 9 कर दिया मैंने, सॉरी से मिस्टेक हो गई थी। ये हुआ 3 2 9 माइनस 9 और ये हुआ हमारा 4 2 8 प्लस का 8, तो यहाँ पे हमारा आता है माइनस 1, ये माइनस 1, तो ये हुआ फिर माइनस 1, तो ये वाले को कट किया हमने तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 2 4 माइनस था तो इसका साइन चेंज हुआ प्लस और ये लास्ट वाला माइनस 1 तो ये 0 और माइनस 6, तो ये हो गया हमारा 1, ये हुआ माइनस 2 माइनस 4 और ये आया हमारा प्लस का
सिक्स, तो ये हो गया माइनस सिक्स प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो माइनर यानी कि जो ए था इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो आ गई जीरो। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर देखना है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा जो इसका जो माइनर बन रहा था, डिटरमिनेंट बन रहा था, वो थ्री ऑर्डर का बन रहा था, उसका हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ गई जीरो। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट के जिस माइनर के डिटरमिनेंट जिस ऑर्डर के माइनर की वैल्यू जीरो आए, अगर आ जाती है तो इसका मतलब कि जो इसका रैंक है वो थ्री नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ हमारे पास कि अगर हमारे पास थ्री ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और हम उसका माइनर निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो जीरो आती है, तो ये अंडरस्टूड है कि उसका जो जो रैंक है वो थ्री नहीं हो सकती। अगर जीरो अगर ये नॉन जीरो आता तो रैंक हो जाती जीरो। तो इसका मतलब अब इसकी रैंक थ्री नहीं हो सकती, और अब इसकी रैंक जो होगी वो तीन से छोटी ही होगी, या तो दो होगी या एक होगी। उसके आगे के स्टेप के लिए देखते हैं। तो पहला स्टेप ये रहे, जितने भी ये स्क्वायर थी उसका आपने माइनर निकाल के यानी कि डिटरमिनेंट निकाल के देख लिया। अगर जीरो आ जाता है तो हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट ऑर्डर के माइनर के लिए। लेकिन अगर ये नॉन जीरो आता तो यहीं पर इसका क्वेश्चन का आंसर निकल आता रहे। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद इसमें क्या करेंगे आगे। तो हमने जो था इसका ये हुआ, ये आ गया ऑफ ऑर्डर थ्री, ये जीरो, ये आ गया हमारा जीरो। इसका मतलब इसका जो रैंक है वो थ्री तो हो ही नहीं सकता। तो हम फर्दर पहुंचेंगे, नाउ वी टेक माइनर ऑफ ऑर्डर टू। अब हम इसका टू ऑर्डर का माइनर सेलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि अब क्या होगा। हमने ये माइनर लिया टू ऑर्डर का, यानी कि एक रो या एक रो को हम छोड़ देंगे। तो मैं पहले वाला ही ले रही हूँ, देखिए 2 1 0 3 जो भी क्वेश्चन था उसका पहला ही मैंने क्वेश्चन में था ये 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। थ्री वाला तो हम पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके थे, अब हम टू का ले रहे हैं। तो टू का मैंने पहले ये वाला सेट ले लिया है, इसको देखते हैं। तो इसका कितना आएगा, 3 2 6 6 -1, 6 -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जीरो नहीं आया है ना, इसमें कुछ वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हमें अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती तो हम इसका टू का और भी, क्योंकि टू का ये एक ही सेट नहीं बन रहा है, टू माइनर का ये एक ही नहीं है। टू माइनर का तो देखो ये भी टू माइनर का बन सकता है और ये भी टू माइनर का एक और अंदर आप बना सकते हैं। तो टू के तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, देखिए 3 -2 4 -3 ये बन रहा है 0 3 2 4। अगर मैं टू माइनर के ऑर्डर टू की बात कर रही हूँ कि वो माइनर बनाना था, तो इतने सारे पॉसिबल हैं, 1 1 -1 एंड 3 -2। तो किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर ये जीरो आ जाता, जो भी आपने पहला पिक किया अगर वो जीरो आ जाता तो आप बाकियों को भी चेक करते, क्योंकि मुझे कम से कम एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर टू मस्ट बी नॉन जीरो। एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे सारे जीरो आ जाते, एक मुझे ऐसा पिक करना पड़ेगा जो नॉन जीरो है। लेकिन इसमें तो ये नॉन जीरो आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये जीरो आ जाता तो फिर हम बाकी को चेक करते, जितने भी पॉसिबल थे सबके माइनर की वैल्यू निकालते। अगर एक नॉन जीरो आ जाता तो इसका मतलब अब हमें आगे नहीं प्रोसीड करना है, जो हमारे इसकी जो रैंक है वो टू ही हो जाती। लेकिन अगर सारे माइनर जीरो जाते, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर टू इज इक्वल टू जीरो, तो अगर सारे ही जीरो हो जाते तो फिर अब हमें कुछ नहीं करना था। इसका मतलब रैंक जो है वो हमारी ये तो नहीं हो सकती थी, रैंक डज नॉट इक्वल टू टू, क्योंकि सारे ही जीरो आ गए उस केस में, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, तो हमारी रैंक वन हो जाती।
और रैंक जीरो नहीं ले सकते क्योंकि रैंक या रो ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ओनली मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, इसलिए जीरो तो उसकी रैंक हो ही नहीं सकती थी। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से हम इसका रैंक निकालते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, जितने भी थ्री ऑर्डर का आपको जो दिया है उसका माइनर निकालो, अगर जीरो आता है तो आपके टू माइनर के वन बाय वन जितने भी बनते हैं माइनर, कम से कम एक ऐसा ढूंढना है जो नॉन जीरो आए। अगर एक नॉन जीरो आ जाता है तो आपको उसको पॉज करना है, वहाँ आगे नहीं जाना है और हमारी रैंक टू हो जाएगी। लेकिन आपने जितने भी पेयर पॉसिबल थे सारे के सारे बना लिए, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर टू, और सारे के सारे की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब रैंक अब टू नहीं हो सकती और आप रैंक लिख देंगे वन, जीरो, क्योंकि रैंक हो ही नहीं सकती। जीरो जो है वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स की होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी मेथड है, कुछ प्रॉपर्टी लगा के हम इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल टू हम इसको, मैं इसका लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन लिखा मैंने और ये इसकी मैट्रिक्स लिख दी 1 3 4 3, 1 3 4 3, और नेक्स्ट हुई आपकी 3 9 12 9 1 -3 -4 और अगेन ये -3। तो इसका ऑर्डर सबसे पहले रो को लिखेंगे, तो इसमें 1 2 3, इसमें रो कितनी है 3, और कॉलम कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो ये तो रैंक जो है वो 4 तो हो ही नहीं सकती, ये कोई बात ही नहीं है कि होनी ही नहीं है ये। तो रैंक में भी 3 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 1 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 मैट्रिक्स उसके लिए वो होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 4 तो है ही नहीं, तो 4 का तो कुछ करना ही नहीं। तो सबसे पहले कि क्या हो सकता है, 3 के लिए चेक कर लेते हैं हम। तो हमने कोई भी 3 बाई 3 की माइनर इसमें से उठा लेते हैं, और ये ली मैंने 1 3 4 3 9 12 1 -3 -4, मैंने ये एक ले ली है। वैसे आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, मैंने एक लेके देखी पहले, फिर हम जितने भी और पॉसिबल होंगे उसके लिए भी वही केस करेंगे। तो इसमें ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये वाली जो है, इसको और इसको मेंटली ऑब्जर्व करिए, देखिए अगर इसमें से मैं, अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज याद हो तो डिटरमिनेंट में से किसी एक लाइन में आप कॉमन अगर इसको देखते हैं, या इसमें देखिए 1 3 4 जो आप इसमें चेंज करते थे, अगर आपको याद हो इसमें से, तो आप इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 4। यहाँ से मैंने 3 का मल्टीपल है तो ये निकाल दिया बाहर, 1 -3 -4 ये। अब इसमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें दिख रहा है कि R1 और जो R2 है वो सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आ गई 0। पर क्योंकि ये जो था इसका ऑर्डर ज़्यादा बड़ा था और ये हमने 3 बाई 3 का एक चूज किया था ये वाला, अब हम 3 बाई 3 के और भी तो चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, आपकी बात, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, एक और ले लिया 3 बाई 3 का, भाई ये भी तो ले सकते हैं, हमें क्या पता कौन सा लेना है। तो हम अपने दूसरा लेते हैं आपकी बात, -3 -4 -3। हम इसमें देखिए इसमें से अगर 3 कॉमन निकालें तो 3 3 9 3 12, इसका भी 0। तो इसमें अब और सोचिए कोई सी आप, अगर मैं कहूँ 1 3 3 9 1 -3, और मैंने ये पीछे वाली उठा ली 3 9 -3। अब इसमें से देखिए, फिर से आप इसमें से कॉमन लेते हैं कुछ, तो आपका क्या आएगा, तो क्या मिलेगा आप इसको, आप A1 कर देना, A2 कर देना, ऐसे नेम दे सकते हैं, लेकिन तो इसके भी 0 आएगा। तो हम जितने भी इसके 3 बाई 3 ऑर्डर के, यानी कि ऑल, आप सारे चेक करेंगे 1 बाई 1, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3
इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो रैंक है ए की वो थ्री नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे माइनर्स जीरो आ गए, क्योंकि हमें कम से कम एक नॉन जीरो माइनर चाहिए था। वी डिडंट गेट सिंगल माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, इसकी वैल्यू क्या मिलनी थी हमको, नॉन जीरो मिलने थे, नॉन जीरो कोई भी नहीं मिला। जितने भी माइनर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, जितने भी माइनर मेरे पास हैं, तो सारे के सारे माइनर इसके जीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब रैंक तीन नहीं हो सकती। इसका मतलब अब रैंक क्या हो सकती है, रैंक अब सेकेंड उसमें चले तो थ्री के तो हमने सारे ले लिए, अब हम किस माइनर पे जाएंगे, अब हमें लेने पड़ेंगे टू के माइनर। तो टू के माइनर के लिए देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी में, इसमें देखिए अगर टू को आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो। अगर अब ये वाला चूज करिए माइनस नाइन, फिर माइनस नाइन, ये भी जीरो। जितने भी इसकी सेटिंग है वो सारे के सारे आप देख लीजिए, ये वाला देखा, मान लीजिए ये वाला देखा, 9 4 36, 12 3 36, अगेन जीरो इसका। और अगर हम इन दोनों को लेते हैं, और ये बता रही हूँ आप कॉपी में अपना नोटबुक पे अपना करके देखिएगा, 12 -36 + 36, इसकी वैल्यू भी जीरो, कोई भी और जितने भी आप इसके और माइनर देखते हैं, सबकी वैल्यू टू वाले उसकी भी जीरो आ रही है। तो ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर टू आर जीरो, तो रैंक इसकी टू नहीं हो सकती। तो बची क्या, वन, तो रैंक इसकी हो जाएगी वन, क्योंकि इट कांट बी जीरो, तो ये हो गया रैंक वन। इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड है, बहुत इजी रहता है, सारे जितने भी तीन मेथड हैं, तीन मेथड में जो हमारा इजीएस्ट मेथड है वो डिटर्मिनेंट मेथड ही है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व किया जा सकता है आराम से। तो इसकी थोड़े से प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप तो ट्राई करिएगा। एक और फर्दर एग्जाम्पल, फाइंड रो ए, क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है, चलिए ए दिया हुआ है, 0 2 3 0 4 6 0 6 9, इसको देखेंगे। अगर आप डिटर्मिनेंट ये ऑर्डर थ्री का लें, ऑर्डर थ्री का, यानी कि ये पूरा ही ले लेते हैं, 0 2 3 0 4 6, एक ही पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि यही दिया हुआ था, इसी का ले लिया। पर हमें पता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का एक कॉलम पूरा या एक रो जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो डज नॉट इक्वल टू थ्री, वो थ्री तो नहीं हो सकती, तो क्या फिर वो टू हो सकती है, तो टू के लिए अब आपको ढूंढना है। तो Now check the value of minor of order 2, कोई एक ऐसा मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आए। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, इसको करूँगे तो जीरो ही आएगा, जीरो वाली लाइन को लूँगी तो जीरो ही आएगा, इन दोनों को लेती हूँ तो जीरो ही आता है, क्योंकि एक तरफा जीरो ही है। तो ये 12 12, ये देखिए 9 4 36 6 36, कोई और आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर मैं इन दोनों को और इन दोनों को लूँ तो देखिए जीरो जीरो। तो अगर मैं चेक करती हूँ तो ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर टू आर जीरो, कोई भी नहीं मिला हमें जो नॉन जीरो होते, इसका मतलब इसकी रैंक टू भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब रैंक क्या होगी, रैंक हो जाएगी इसकी वन। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट मेथड इज द इजीएस्ट मेथड
टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये सबसे आसान मेथड है, जितने और मेथड है वो कोई भी इतना ईजी नहीं है। तो चलिए बाकी कल हम इसका नेक्स्ट मेथड को देखेंगे।